आज मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज 6 क्लास की ये करवा रही हूँ। हर सम जो है एक रूल के हिसाब से चलता है कि हमने राउंड ऑफ लगाना है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट हमारा रहता था, फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट 28,292 में से 21,496 माइनस करना है, तो इसका क्या है राउंड ऑफ 28,292 टू इट्स नियरेस्ट थाउजेंड, टू इट्स नियरेस्ट थाउजेंड्स। क्या है इसका नियरेस्ट? हमेशा हमने बच्चों ये देखना है कि थाउजेंड, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, 28,000 है ना, लेकिन यहाँ पे 292 है, 792 नहीं है। अगर 792 या 892 इस डिजिट पे देखना है कि क्या है, अगर इसका ये होता कि 892 या 992 होता तो हमने 29,000 लिख देना था। 28,292 है, अगर 8 होता तो हमारा कितना आना था 29,000, लेकिन यहाँ क्या है 28,292 तो हमारा क्या आएगा 28,000। समझ आ गया? यहाँ पे 100,000 के हिसाब से ये डिजिट बदल जाता है यहाँ पे आपका, तो इसीलिए इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो आगे क्या है इसका, हमारा बनेगा 28,292। नेक्स्ट क्या है इसका राउंड ऑफ, वही लैंग्वेज लिखनी है, लेकिन ये ध्यान देना है 21,400 इट्स नियरेस्ट थाउजेंड, नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो इसका क्या आएगा 21,400 है यहाँ पे, अगर 696 होता तो हमने 22,000 लिख देना था, लेकिन यहाँ पे क्या है 400, 21,000 अगर 500 होता तो हमारा 21,500 आना था, लेकिन यहाँ पे क्या है 496, तो हमारी राउंड फिगर क्या आएगी 21,000। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है 28,000, सॉरी यहाँ पे क्या लगाना है आपने 28,292 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 28,000 माइनस 21,000, तो हमारा आंसर क्या आया है 78 में से बन गए कितने आ गए 7,000। ठीक है, 28 में से 21 गए तो कितने आए 7,000। आगे क्या कह रहा है कि गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड आल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। इसमें सेकंड क्वेश्चन में हम नियरेस्ट 1000 बताना है, नियरेस्ट 10 बताना है, डिजिट वही होंगे लेकिन 1000 पे उसकी जो है डिजिट और बन जाएगी रकम, और अगर टेंस है तो उसकी रकम जो है चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखना, जैसे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये देखो क्या लिखा है उसने, 439 प्लस 334 प्लस 4,317, ये है हमारे पास तीन डिजिट और एक चार डिजिट, लेकिन इसका हमने क्या बताना है 100 और 10s। जब 100 बताना है तो इन तीनों डिजिट को देखना है, लेकिन जब 10s बताना है तो इन दोनों डिजिट को देखना है, इसीलिए इसके हिसाब से ये डिजिट जो है हमारे चेंज हो जाएंगे। 439 है, 39 जो है 50 से कम है, 439 जो है वो 50 से कम है, हमारा क्या बनेगा राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100, तो इसका क्या बनेगा 430, क्यों, क्योंकि 39 है 50 नहीं है, अगर 450 होता तो हमने
64 से कम है तो इसका भी हमने 300, इसका क्या है 317 है, वंस टेंस 100 आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद 17 है, 50 नहीं है। अगर 4397 होता तो 44 आ जाना था डिजिट, लेकिन यहाँ पे क्या है 4300। नेक्स्ट क्या है इसका, उसने हमें और भी बताया है कि क्या करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, ये है। पहले इसकी प्लस की तो हमारे पास कितना आ गया 430 300, क्या ऐसे लिखना है इसको ऐसे, तो कितने क्या आ गया नंबर हमारे पास 5000, ठीक है, ये 5000 आ गया, एस्टीमेट लगाया है हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, जब नियरेस्ट टेंस है दो डिजिट 110, सिर्फ ये दो डिजिट देखने हैं, 30 का क्या आएगा, 39 है, 39 का टेंस के हिसाब से क्या आएगा 40 आ जाएगा, 34 का क्या आएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि 35 होता तो 40 लगाना था हमने, ये 34 है ना, हमने टेंस देखना है तो इसका क्या आएगा 330, इसका टेंस के हिसाब से क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो 10 और 20 के बीच में, ये दोनों डिजिट 10 और 20 के बीच में 17 आ गया, इसका डिफरेंस 10 और 17 का 7 है और 17 और 20 का 3 है, तो हमने लोएस्ट से लोएस्ट डिजिट का डिफरेंस देखना है, सबसे कम से कम ज़्यादा सॉरी डिफरेंस हो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4320। आगे समझ आपको कि किस हिसाब से, ये नहीं है कोई भी एस्टिमेट लगा के रख दो, नहीं, पहले हमने देखना है कि टेंस पे उसका क्या एस्टिमेट बनता है, 100 पे क्या बनता है, यहाँ पे टेंस पे 39 है तो 39 का क्या बनेगा 40, 30 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 30, ये देखो 30 और 40 में डिफरेंस जो है ये 39 है, इसमें 9 का डिफरेंस है, इसमें 1 का है, तो हमारा नियरेस्ट डिफरेंस कौन सा हुआ 39 और 40 का हुआ, तो इसीलिए हमने 440 लगाना है, इसका प्लस करके क्या बनेगा 5090, ये हमारा डिफरेंस। ये देखो इसका डिफरेंस की वजह से क्या हो गया, आंसर में चेंज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1,08,734 में से 47,599 माइनस करने हैं, ये देखो इसका नियरेस्ट 100, सिर्फ इसमें यही देखना आपने, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 कितना बना, अब नियरेस्ट 100 कितना बना, 1100, ये हो गया ना 734 है, 750 होता तो हमने 800 लगाना था, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 700, ये दोनों डिजिट का 734, अगर 750 होता तो 800 आना था, लेकिन 734 है तो 700 आएगा। आगे नेक्स्ट क्या है, अब ये देखो 1 stands 100, 599 है, 599 का नेक्स्ट क्या होगा 600, अगर 500 लिखेंगे तो क्या कितना डिफरेंस बन जाएगा 99 का, लेकिन हमें डिफरेंस कितना कम है 1 का ओनली डिजिट, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 600, 1,08,700 में से 47,600 जो है माइनस कर देंगे, तब कितना बनेगा हमारा 00116 61,100, ये हमारा आ गया। आपको समझ आ गया कि कैसे आया, 34 है इसीलिए 700, उनका डिफरेंस देखना है हमने। नेक्स्ट कौन सा है, राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, अब टेंस के हिसाब से, पहले हमने 100 थे, अब 34 है, 34 का क्या आएगा
31,8730। क्यों? क्योंकि टेंस हमने देखा है 30, 39। अगर यहाँ पे 39 होता तो हमने यहाँ पे 40 लगाना था, लेकिन यहाँ पे 34 है, 35 से कम है, दो डिजिट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो 90 आ गया, 90 का 100 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो कितना बन गया 47,600। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई कि किस हिसाब से आया है, हमने टेंस और 100 के एस्टीमेट में फर्क, 100 और टेंस के एस्टीमेट में, वहां पे 100 देखते हैं, यहाँ पे टेंस देखना है। यहाँ पे कितना आ गया 61,130, ये आ गया हमारा माइनस करके। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट है, सॉरी 1 लाख। आगे नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है 8,325 में से 491। इसका ध्यान दो, वन स्टेंस 100 राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100, यहाँ पे क्या बना 100 के हिसाब से क्या बना 25 है, तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे 75 या 85 होता तो हमारा 8,400 आना था, लेकिन यहाँ पे 325 है जो कि 350 से कम है, 350 से कम होने की वजह से यहाँ पे 300 आया है। अब 91 है, ये तो बिल्कुल ही 500 के नज़दीक है, 9 का डिफरेंस, जबकि 450 होता तो 400 लगाना था हमने, तो यहाँ पे कितना आएगा 500। ठीक है, इसको माइनस किया तो कितना आ गया 7,800, 8,300 में माइनस 500, राउंड ऑफ नियरेस्ट, हमेशा ये देखने हैं कि टेंस निकालना है, 100 निकालना है, 1000 लगाना है, टेंस में सिर्फ दो डिजिट का डिफरेंस देखना है और 100 में 3 डिजिट को देखना है, इसका क्या आएगा 1,08,700, सॉरी ये वाला 8,330 आ गया, क्यों 325, हमने दो डिजिट देखे यहाँ पे टेंस में, वहां पे 325 था, यहाँ पे 25 है, तो 25 जो 30 के नजदीक है, 20 के नजदीक तो नहीं है, 25 आधा हो गया, 20 और 30 में कितना हो गया 25 है, तो कौन सा डिजिट आएगा नेक्स्ट डिजिट, अगर यहाँ पे 24 होता तो हमने 24 लगाना था, लेकिन यहाँ पे 25 है तो हमने क्या लगाना है 30, 491 नहीं देखना हमने, 91 देखना है, क्योंकि टेंस लगाना है, टेंस का पता करना है, टेंस का 91 और 100, तो 91 तो 90 के पास ही है, तो क्या बनेगा 490, इसका डिफरेंस कितना आ गया 7,840। ये ध्यान रखना है आपको, मैं बार बार यही बता रही हूँ कि इसका डिफरेंस जो देखना है हमने, लास्ट जो है इसका पार्ट, फोर्थ पार्ट है, सॉरी 489,348 में से 48,365 राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। अब ये ध्यान देखना, इस पे 100 पे क्या लगाना है, वन स्टैंड 100, 348 है तो क्या आएगा 489 का कितना आएगा 300। पहले मैंने बताया ना 350 होता तो 400 लगाना था, 385 होता तो 400 लगाना था।
लेकिन 48 है तो 300 आएगा। आगे क्या है 365, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे उसने 48 दिया तो हमने 300 लगा दिया, यहाँ पे 365 दिया तो डिजिट चेंज हो गए 400, क्यों? क्योंकि ये अबव है, इससे 350 से अबव है, तो इसका डिफरेंस करके कितना बना 440,900। आगे नेक्स्ट क्या है, राउंड ऑफ, इसको करके भी दिखा देती हूँ, 489,300 को 48,400 से माइनस करने पर ये आ गया, ये ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस पे क्या है 48 है, यहाँ पे तो पता ही लग गया सीधा ही 48 50 के नजदीक है, तो क्या आएगा 489,000। यहाँ पे टेंस देखा, पहले 48 था तो हमने 00 लगा दी क्योंकि 348 देख रहा था, यहाँ पे अब टेंस है तो 48 सिर्फ देखना, 48 50 के नजदीक है। नेक्स्ट क्या है 48,700, 300 यहाँ देखो, अब यहाँ पे 365 था तो हमने 400 लगा दिया क्योंकि 350 से अबव है, 400 के नजदीक चला जाता है, 300 और 400, यहाँ पे तो 365 है तो ये किसके नजदीक है 400 के, लेकिन यहाँ पे हमने हो गया, तो यहाँ पे इतना हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ गई। अब इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले, थैंक।